हमारी एयर में ये मान लो बेटा एयर के मॉलिक्यूल्स है, ये तो आपको हर कोई कह देगा कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन से चलती है। लेकिन मैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की बजाय पूरी डिटेल में समझाऊंगा साउंड कैसे चलती है, तब आपको डॉपलर इफेक्ट भी समझ में आएगा और यह भी समझ में आएगा फ्रीक्वेंसी में क्यों अंतर होता है। साउंड कैसे चलती है, यहां पर खड़ा आदमी जब कुछ बोलता है तो उसके माउथ से एयर निकलती है, मैं बोलूंगा मेरे माउथ से एयर निकलेगी, वो एयर अपने सामने मौजूद मॉलिक्यूल को धक्का देती है और उनकी सेपरेशन कम हो जाती है। जैसे मेरे मुंह से एयर निकली, जिन मॉलिक्यूल से टकराई वो आगे को भागे, तो मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन कम हो गई। अब जरा आप पुरानी बात याद करो कि व्हेनेवर द सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज दे रिपेल ईच अदर, और व्हेनेवर द सेपरेशन इज इंक्रीज दे अट्रैक्ट। तो इनकी सेपरेशन कम हो गई, जब इनकी सेपरेशन कम हो गई तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपेल करके ये खुल जाएंगे, ये इस तरह से रीओपन हो जाएंगे, ये खुल गए, बाकी सारे मॉलिक्यूल अपनी जगह पर हैं। तुम यदि ध्यान दो बेटा, ये मॉलिक्यूल अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह और ये अपनी जगह, सिर्फ हुआ यह है ये वाले मॉलिक्यूल खुल गए। अब मेरे बेटा जब ये मॉलिक्यूल खुल गए, इनकी सेपरेशन नॉर्मल से ज्यादा हो गई, बढ़ गए, लेकिन अब ये वाले पास आ गए, समझ रहे हो ना, अब इनकी सेपरेशन नॉर्मल है या लेस देन नॉर्मल है, लेस देन नॉर्मल, रिपेल करेंगे। अच्छा इनकी मोर देन नॉर्मल है या अट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों की लेस देन नॉर्मल है ये रिपेल करेंगे। अब क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे तो पास आ जाएंगे और ये रिपेल करेंगे तो दूर चले जाएंगे। अब देख इनकी सेपरेशन बढ़ गई और उसकी सेपरेशन इन दोनों की कम हो गई और ये आगे वाले मॉलिक्यूल अपनी जगह पर है, ये तो स्प्रेड हो गए और ये कंप्रेस हो गए और बाकी सब अपनी जगह पर है। अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब खुद ही देखते रहो चेन रिएक्शन चल पड़ी। अब जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनकी सेपरेशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी, इन दोनों की सेपरेशन नॉर्मल से ज्यादा, इन दोनों की सेपरेशन भी नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी, ये भी फैल गए लेकिन बाकी अपनी जगह पर है। अब लास्ट एक स्टेप और बता के रोक दूंगा। अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनकी सेपरेशन मोर देन नॉर्मल है तो अट्रैक्शन होगा। अब इनमें अट्रैक्शन होगा तो ये पास पास आ गए, इनमें रिपल्जन होगा तो ये दूर दूर चले गए, और इनमें रिपल्जन होगा तो ये दूर दूर चले गए, और ये वाले अपनी जगह पर है। अब सुन, जहां ये नॉर्मल से कम सेपरेशन पे है उसे बोलते हैं कंप्रेशन, जहां नॉर्मल से कम सेपरेशन है वो कंप्रेशन है, और ये जो सेपरेशन नॉर्मल से ज्यादा सेपरेशन है यहां 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 यहां, ये सब है रेयर फ्रैक्शन। जहां एयर मॉलिक्यूल पास हो गए तो इसका मतलब गैस कंप्रेस हो गई, और गैस कंप्रेस हो गई तो यही कंप्रेशन है, और जब मोर देन नॉर्मल सेपरेशन पे चले गए तो एयर रेयर हो गई, जब मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो उसे रेयर एयर बोलते हैं, रेयर रेयर नहीं रेयर एयर बोलते हैं, तो उसी से बना रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन नॉर्मल से पास, रेयर फ्रैक्शन नॉर्मल से दूर, और ये जो अभी नॉर्मल सेपरेशन पे है ये ना कंप्रेशन ना रेयर फ्रैक्शन, ये तो नॉर्मल सेपरेशन पर है, तो इसे समझ में आ गया है सर। तो बेटा ये आप लोगों ने क्या देखा कि कंप्रेशन वर्ड किससे बना है, गैसेस के कंप्रेस होने से, और रेयर फ्रैक्शन बना है उनके मॉलिक्यूल्स के दूर जाने से। अच्छा बताओ ये वाला क्या पोर्शन है, कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन, और उसके ठीक नीचे और यहां पर नीदर कंप्रेशन। अब क्या होता है, तुमने देखा कि कंप्रेशन पहले यहां था, फिर कंप्रेशन यहां पहुंच गया जब ये खुला, फिर कंप्रेशन यहां पहुंच गया, फिर कंप्रेशन यहां पहुंच गया, तो कंप्रेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कंप्रेशन की स्पीड ही साउंड की स्पीड होती है। यदि मैं कहता हूं कि मेरी साउंड की स्पीड 332.5 मीटर पर सेकंड है तो क्या मतलब है इसका, मेरे माउथ से अभी अभी हवा निकली और एक कंप्रेशन पैदा हुआ, एक सेकंड बाद वो 332.5 मीटर दूर चला जाएगा। साउंड की स्पीड का मतलब 332.5। अब ये कंप्रेशन जब, अब हमें सुनाई कैसे देता है, ये कंप्रेशन चलते चलते एक आदमी के ईयर ड्रम पे टकरा गया, जिसे कहते हैं कान का पर्दा,
कंप्रेस, ये ईयर ड्रम है, ये ईयर है, लग तो हाथी का कान रहा है लेकिन है आदमी का, ये ईयर ड्रम है, कान का पर्दा जिसे बोलते हैं, उस पे ईयर ड्रम पर ये कंप्रेशन पहुंच गया। सुन बेटा, कंप्रेशन यहां से आया इधर 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 कान में घुस गया और वो पहुंच गया, टच में आ गया ईयर ड्रम के। जब ये ईयर ड्रम के टच में आ गया, अब ये खुलने की कोशिश करेगा, जब कंप्रेशन बार बार खुलने की कोशिश करता है तो ये भी करेगा, तो उस चक्कर में मेरे ईयर ड्रम को दबा देगा, कान के पर्दे को दबा देगा, क्योंकि उसके एक तरफ तो एयर है दूसरी तरफ ईयर ड्रम है, तो ये खुलने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, ईयर ड्रम को पुश कर देगा, और जब ईयर ड्रम दबता है तो एक सेंसेशन पैदा होती है और मुझे दिमाग को आवाज सुनाई दे जाती है। इस तरह से तभी कहते हैं साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। यदि मीडियम नहीं होगा तो साउंड नहीं चल सकती, वैक्यूम में साउंड कैसे जाएगी भाई, यदि वैक्यूम है कहीं पे तो वहां इसका मतलब मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स नहीं है तो पास कौन आएगा, दूर कौन जाएगा, ना कंप्रेशन बनेगा ना रेयर फ्रैक्शन बनेगा, साउंड कैन नॉट ट्रेवल। आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक ग्लास जार के अंदर बजर रख दे, ग्लास जार के अंदर बजर रख दे और बजर को बजाए, तो बजर को बजाएंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी, फिर यहां पर वैक्यूम पंप लगा के इसके अंदर की हवा खींचने लगे, जैसे जैसे इसके अंदर की हवा खींचती चली जाएगी बजर की साउंड कम होती जाएगी, और जिस समय अंदर पूरी तरह वैक्यूम हो जाएगा आपको आवाज आनी बंद हो जाएगी, जबकि बजर बज रहा होगा आवाज नहीं आएगी। तो साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। आगे से मैं कंप्रेशन को आज के टॉपिक में इस तरह से दिखाऊंगा, ये है कंप्रेशन आज के लिए, क्योंकि ये बनाना मेरे लिए आसान है और आपके लिए भी, डेरिवेशन जब आप करोगे तो कंप्रेशन इस तरह से बना देना, इन्हें पल्सेस भी बोलते हैं, कंप्रेशन या पल्सेस, ये कंप्रेशन है। अच्छा, अब हर कंप्रेशन सेम स्पीड से चलता है, हर कंप्रेशन सेम स्पीड से चलता है, जिसे कहते हैं साउंड की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, हर कंप्रेशन की स्पीड सेम, ये नहीं कि कोई कंप्रेशन धीरे जा रहा है दूसरा कंप्रेशन तेजी से भागा है, साउंड की स्पीड यदि 332.5 है तो हर कंप्रेशन की स्पीड 332.5 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, दो कंप्रेशन के बीच का गैप कहलाता है टाइम पीरियड। जैसे मेरे माउथ से एक कंप्रेशन थोड़ी पैदा होगा, लगातार बहुत कंप्रेशन मेरे माउथ से निकलते रहेंगे, मैं सिर्फ यूं करके बोल बैठ जाऊं तो एक कंप्रेशन निकला और आप तक पहुंच गया, लेकिन मैं लगातार बोल रहा हूं तो मेरे माउथ से लगातार एयर निकल रही है तो लगातार कंप्रेशन पैदा हो रहे हैं। एक सेकेंड में जितने कंप्रेशन मेरे माउथ से निकलते हैं वो मेरी साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कल परसों बात हो रही थी ना कि फ्रीक्वेंसी, हर आदमी की साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इसका मतलब है हर आदमी के माउथ से पर सेकेंड अलग अलग नंबर में कंप्रेशन निकलते हैं। किसी के माउथ से हर सेकेंड 100 कंप्रेशन निकल रहे हैं तो हम कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 100 है, किसी के माउथ से हर सेकेंड 20 कंप्रेशन निकल रहे हैं तो इसके साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 है, और वो कांस्टेंट होता है। मेरे माउथ से हर सेकेंड कितने कंप्रेशन निकलेंगे ये नहीं कि आज कुछ और कल कुछ और परसों कुछ और, मेरे माउथ से जितने भी कंप्रेशन आज निकलेंगे उतने ही शाम को निकलेंगे, उतने ही कल सुबह, बशर्ते गला ना बैठ जा। कंप्रेशन हर समय फिक्स निकलते हैं, तो दो कंप्रेशन, ये समझ में आ गया, एक सेकेंड में जितने कंप्रेशन पैदा कर रहा हूं मैं वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, दो कंप्रेशन के बीच का जो टाइम गैप है, जैसे पहला कंप्रेशन निकला थोड़ी देर बाद दूसरा कंप्रेशन निकला थोड़ी देर बाद तीसरा कंप्रेशन निकला, दो कंप्रेशन के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब पहला कंप्रेशन निकलने के कितनी देर के बाद दूसरा कंप्रेशन निकला वो कहलाता है टी, यानी कि बेटा टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड सुनने वाले के लिए और बोलने वाले के लिए, दोनों के लिए अलग अलग टाइम पीरियड है। ये जरूरी नहीं कि मैं हर, मान लो उदाहरण के तौर पे कोई भी डिजिट बोल रहा हूं, हर एक सेकंड के बाद कंप्रेशन निकालूं, हर एक सेकंड के बाद, तो मैं कहूंगा मेरे लिए टाइम पीरियड 1 सेकंड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने बैठे के सामने कोई पर्सन है उसके कान में हर सेकंड, हर एक सेकंड के बाद कंप्रेशन ही जाएगा, ये कंपल्सरी नहीं। वो डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जर्वर चल तो नहीं रहा। मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। बेटा एक सेकेंड, आप आ जाओगे यहां पर, यहीं पर आप इस चीज को समझिए, यहां ऊपर आ जाओ और जितना ध्यान से सुनोगे, क्यों कल का टॉपिक इससे टिपिकल है मेरे बेटा, एक बात गौर से सुनना, मैं और ये दोनों खड़े हैं, सुनते रहो,
मेरे माउथ से पहला कंप्रेशन निकला साउंड की स्पीड से चला, दूसरा कंप्रेशन निकला साउंड की स्पीड से चला, तीसरा कंप्रेशन निकला साउंड की स्पीड से चला, लगातार कंप्रेशन निकल रहा है और इसके कान में जा रहे हैं। अब यदि मैं हर एक सेकंड बाद कंप्रेशन निकालूंगा तो इसके कान में हर एक सेकंड के बाद कंप्रेशन जाएगा, तो मेरे से कोई पूछेगा सोर्स हूं मैं, मेरे से पूछेगा कि भाई मेरा टाइम पीरियड क्या है, मैं कहूंगा टी, सोर्स से ये ऑब्जर्वर है, इनसे पूछेंगे टाइम पीरियड क्या है टी वन सेकेंड, दोनों के लिए बराबर। लेकिन अब अंतर क्या होगा, गौर से देख, मेरे माउथ से कंप्रेशन निकला, यदि ये रुका रहा तो बात अलग है, यदि ये इसके पास चल पड़ा तो मुझे बता ये समय से पहले कैच कर लेगा कंप्रेशन को। बात समझ पा रहे हो या नहीं? एक सेकंड खड़े हो, ये रुका हुआ है, ध्यान से देख, मेरे माउथ से ये कंप्रेशन निकले, दो कंप्रेशन है, ये जा रहे हैं, दोनों कंप्रेशन में एक सेकंड का अंतर है। यदि दोनों कंप्रेशन में एक सेकंड का अंतर है तो पहले ये कंप्रेशन गया फिर दूसरा कंप्रेशन एक सेकंड बाद जाएगा। अब हुआ ये, पहला कंप्रेशन गया, दूसरा कंप्रेशन उसके पास जा रहा है और ये इसके पास आ लिया, तो मुझे बता इसने उतने ही टाइम पे कंप्रेशन को रिसीव कर लिया या उससे जल्दी? जल्दी। तो इसके लिए टाइम पीरियड कम हो गया, और जब टाइम पीरियड कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक बात और देख, मेरे माउथ से, अब डेरिवेशन इतना आसान लगेगा यदि आप ढंग से समझोगे, दो कंप्रेशन निकले, पहले फर्स्ट कंप्रेशन फिर सेकंड कंप्रेशन, पहला कंप्रेशन इसने रिसीव किया, दूसरा कंप्रेशन इसके पास आ रहा है लेकिन ये दूर जाने लगा। अब बता कंप्रेशन को पहुंचने में उतना ही समय लगेगा, कम या ज्यादा? ज्यादा। और यदि कंप्रेशन को पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा तो इसके हिसाब से टाइम पीरियड बढ़ गया, और यदि इसके हिसाब से टाइम पीरियड बढ़ गया तो ये कहेगा टाइम पीरियड इज लार्ज, और टाइम पीरियड इज लार्ज तो फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल, इसे कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। बैठ बेटा, थैंक यू। तो मैं आपको यही बता रहा था कि ऐसा नहीं होता कि जिस टाइम पीरियड पे कंप्रेशंस प्रोड्यूस होंगे उसी टाइम पीरियड पे रिसीव होंगे। मैं अब आपको इसी थ्योरी को आगे लेकर के चलता हूं। मेरा पहला केस है, समझ में ना आया ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन कंसंट्रेशन कितना है ये आप पे डिपेंड करेगा। मेरे बेटा सपोज करिए सोर्स इज एट रेस्ट और ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स विद वेलोसिटी वीओ, सोर्स इज एट रेस्ट। अच्छा तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट याद है, रिलेटिव स्पीड का? मुझे बताए यदि ये 10 की स्पीड से आ रहा है और ये भी 10 की स्पीड से आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ, तो रिलेटिव स्पीड 0 होगी या 20? स्पीड ऐड होती है सब्ट्रैक्ट होती है? मैं एक मिनट एक काम करता हूं, रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, पहले उसका और समझा दूं नहीं तो ये टॉपिक बीच में फिर अटकेगा। रिलेटिव स्पीड का रिवीजन मेरे बेटा ध्यान से सुनिए, रिलेटिव स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जितना आज के टॉपिक के लिए जरूरत पड़ेगी। रिलेटिव स्पीड कहते हैं जो स्पीड एक पर्सन को दूसरे की दिखाई देगी। एक बात बताओ, ये दोनों रुके हुए हैं, अचानक ये V1 स्पीड से इधर आने लगा और ये V2 स्पीड से इधर आने लगा, V1 स्पीड से वो चला, V1 स्पीड से ये चला। अब मैं कहता हूं बी को, बी के रेस्पेक्ट में ए की स्पीड क्या है, तो जरा निकाल के देखे, मैं टाइम से निकालता हूं, 2-3 मिनट लगेंगे इसे समझने में। सपोज सिर्फ ए चलता तो दोनों की डिस्टेंस, बेटा आवाज बिल्कुल मत करना नहीं तो आज का टॉपिक उड़ते देरने लगेगी, मुझे बता दोनों की डिस्टेंस है डी। मैं कह रहा हूं कि ये जो दोनों की डिस्टेंस है जीरो होने में कितना समय लगेगा, तो ये तो चल नहीं रहा, डी डिस्टेंस वो चल रहा है V1 स्पीड से, तो जीरो स्पीड होने में कितना टाइम चलेगा, तो सारा उसे ही चलना पड़ेगा, तो जवाब है वो कितना चलेगा, तो जवाब है डिस्टेंस है डी, स्पीड है V1, तो इतने टाइम में ये पकड़ लेगा। यदि ये रुका होता और ये चल रहा होता V2 स्पीड से, तो दोनों की डिस्टेंस जीरो होने में कितना टाइम लगता, दोनों के बीच की डिस्टेंस जीरो होने में कितना टाइम लगता, तो इसे वो तो रुका हुआ है तो इसे चलना पड़ता डिस्टेंस डी, और स्पीड कितनी होती इसकी V2, तो टाइम जो लगता इसको लगता D/V2, टाइम लगता D/V2। अब असली टर्न, मान लो वो V1 स्पीड से चल रहा है और ये V2 स्पीड से चल रहा है, अब दोनों की डिस्टेंस जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, तो जवाब है मान लो टी टाइम लगेगा, मैं उसे निकाल के दिखा रहा हूं, लेट अस कंसीडर कि टी टाइम लगेगा,
तो टी टाइम में ये भी कुछ आगे आ जाएगा, ये भी कुछ आगे आ जाएगा। बताओ टी टाइम में ये कितना आगे आएगा, वी वन टी। टी टाइम में ये कितना आगे आएगा, वी टू टी। अब ये आया वी वन टी, ये आया वी टू टी, लेकिन दोनों ने मिलकर डी डिस्टेंस कवर कर दी। और जब दोनों ने मिलकर वी डी डिस्टेंस कवर कर दी तो वी वन टी प्लस वी टू टी इज इक्वल टू डी। वी वन टी प्लस वी टू टी इज इक्वल टू डी। तो टाइम कितना हो गया, डी अपॉन वी वन प्लस वी टू। ये कॉमन ले लिया टी, वी वन प्लस वी टू। एक लास्ट बार बताओ बेटा, जब सिर्फ ए चल रहा था तो नीचे कौन सी स्पीड लिखी गई थी, टाइम था डी अपॉन वी वन। जब सिर्फ ये चल रहा था v2 स्पीड से तो कितना टाइम लगा, d upon v2। और जब दोनों एक दूसरे की तरफ आए तो कितना लगा, d upon v1। तो आप इसे कहते हो रिलेटिव स्पीड। यदि कभी टाइम निकालना हो तो ये बीच के स्टेप करने की जरूरत नहीं। मैं यदि आपसे कहूं कि ये v1 और ये v2 से चल रहा है, इस सारे स्टेप को छोड़ो, शॉर्टकट लगाओ, मैं कहता हूं कि इन दोनों को एक दूसरे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो सीधे कहना डिस्टेंस है डी और स्पीड है v1 प्लस v2। डिस्टेंस है d, स्पीड है v1 प्लस v2 और टाइम लगेगा d अपॉन v1 प्लस v2। आगे से याद रखिए, जब दोनों एक और इसकी मैंने रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव स्पीड पे चार पांच वीडियो बना रखी है। यदि कंसेप्ट आपका अभी क्लियर नहीं है तो वो वीडियो आप देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, आप लोग यहां तक अब समझ पा रहे हो, मुझे बताओ यदि एक अकेला चलेगा तो ज्यादा समय लगा, दूसरा अकेला चला तो ज्यादा समय लगा, दोनों चल पड़े एक दूसरे की तरफ तो टाइम लार्ज लगा या स्मॉल लगा, स्मॉल। तब उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। तो जब दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो उनके बीच की रिलेटिव स्पीड जो होती है वो होती है वी वन प्लस वी टू। तो और एक ही डायरेक्शन में चले, केस वन, क्योंकि अब मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूं, इस पे भी मैंने इसलिए बता दिया कि रिलेटिव स्पीड एक आध बच्चे का मुझे हल्का सा लग रहा था। जरा सोच के बताओ, यदि ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। लास्ट बार पूछूंगा, इसके बाद इस पे और समय नहीं दे सकते, इसके इसीलिए चार पांच वीडियो बना भी रखे हैं। आप बताओगे मुझे टाइम निकालना है कि ये कितने समय में पहुंचेगा, डी अपॉन वी वन। अच्छा, कम समय लगेगा। और यदि बेटा केस टू, ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये चल रहा है वी वन से और ये चल रहा है वी टू से, डी डिस्टेंस है, तो इन्हें पहुंचने में, इसे इसको पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो डी अपॉन वी वन माइनस वी। तुम तो ना फिलहाल आज के डेरिवेशन के लिए एक बात याद कर लो, यदि एक दूसरे की तरफ आए तो स्पीड ऐड हो जाती है, इसलिए जल्दी मिल जाते हैं, और एक ही डायरेक्शन में जाए तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है और इसीलिए देर लगती है। तुम एक चीज बताओगे, एक कार इधर से आ रही है, एक किधर से आ रही है, दोनों एक डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ आ रही है तो बहुत जल्दी मिल जाएंगी क्योंकि उनकी स्पीड ऐड हो गई। और यदि ये दोनों कार एक ही दूसरे का पीछा कर रही है तो उनको पकड़ने में काफी ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय इसलिए लगेगा क्योंकि स्पीड सब्ट्रैक्ट हो गई। तो बताओ, जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो स्पीड ऐड होती है, और जब एक ही डायरेक्शन में चले तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है। अब ये भूलना मत, अब शुरू कर रहा हूं टॉपिक, करना पांच मिनट पहले था लेकिन मैंने रिलेटिव स्पीड रिवाइज करवा दिया। अब जरा पिन ड्रॉप साइलेंस रख के सुनो, बस अगले 15 मिनट में, 10-12 मिनट में दो डेरिवेशन हो जाएंगे, 10 से 12 मिनट में, और 10 मिनट में से एक मिनट के लिए भी आपका क्लास से दिमाग हटा तो ये डेरिवेशन उड़ा। मेरे बेटा यहां पर है सोर्स, मेरे बेटा यहां है सोर्स और ये है ऑब्जर्वर, दो डेरिवेशन है, दोनों इसी बोर्ड पर हो जाएंगे, मिटाना लिखना कुछ नहीं है। अब जो मैं पूछूंगा बताना जरूर, मुझे बताओ मेरे माउथ से, सोर्स के माउथ से पहला कंप्रेशन निकला किस स्पीड से चला, वी वन नहीं, साउंड है, कंप्रेशन है साउंड, और साउंड की स्पीड को हम कहते हैं वी, ऑब्जर्वर की स्पीड को वीओ और सोर्स की स्पीड को वी एस, वही कल वाले कंसेप्ट। तो मेरे माउथ से कंप्रेशन निकला किस स्पीड से चला, वी। दूसरा कंप्रेशन टाइम पीरियड है टी, तो दूसरा कंप्रेशन कितने टाइम के बाद निकलेगा, टी टाइम के बाद। अगला कंप्रेशन कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद। अगला कंप्रेशन भी टी टाइम के बाद। दो कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो जवाब है दो कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो होगी वी इंटू टी। ऐसा क्यों हुआ, कारण यह है पहला कंप्रेशन निकला, पहला कंप्रेशन निकला, अगला कंप्रेशन जब निकलेगा टी टाइम के बाद तब तक ये चलता रहेगा,
तो पहला वाला वी स्पीड से टी टाइम तक चलता रहा, पहला कंप्रेशन वी स्पीड से टी टाइम तक चलता रहा। यदि पहला कंप्रेशन वी स्पीड से टी टाइम तक चलता रहा तो कितनी दूर चला गया, वी टी स्पीड इंटू टाइम। तब दूसरा निकला तो दोनों के बीच का गैप वी इंटू टी। उसके बाद दोनों सेम स्पीड से चलने लगे क्योंकि स्पीड तो उसकी भी वी इसकी भी वी, तो उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स हो गई। यस सर। बताने के लिए रेडी? पहला कंप्रेशन निकला कितनी स्पीड से चला, वी। अगला कंप्रेशन कितनी देर के बाद निकलेगा, टी टी। डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूं, टाइम, कितने टाइम के बाद निकलेगा, तब तक ये कितनी स्पीड से चलता रहेगा, वी। यदि कोई वी स्पीड से टी टाइम तक चलता रहे तो कितना दूर चला जाएगा, वी। तब दूसरा निकला तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, वी टी। क्या अब ये गैप बढ़ेगा या घटेगा, तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों सेम स्पीड से चलेंगे, और यदि दोनों सेम स्पीड से चलेंगे तो गैप मेंटेन रहेगा, तो कंप्रेशन के बीच का गैप मेंटेन रहेगा, वी टी। दो कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस होती है वी टी, ये है दो कंप्रेशन के बीच का गैप, डिस्टेंस वी टी। अब जरा ऑब्जर्वर के लिए सुनिए, ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। मान लो बेटा ऑब्जर्वर ने अभी अभी इस कंप्रेशन को रिसीव किया है, ऑब्जर्वर ने इस कंप्रेशन को अभी अभी रिसीव किया, दूसरा कंप्रेशन वी टी डिस्टेंस दूर है, पहला कंप्रेशन अभी अभी इसने रिसीव किया, दूसरा कंप्रेशन वी टी डिस्टेंस दूर है, वो वी स्पीड से इधर आ रहा है। यदि ये रुका रहता तो बताओ ये कंप्रेशन कितनी डिस्टेंस चल के आता इसके पास, वी टी। किस स्पीड से आता, वी। तो कितने टाइम के बाद पहुंचता, वी टी अपॉन वी। डिस्टेंस है वी टी और स्पीड है वी, तो टाइम लगता टी। लेकिन अब ये ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ चल पड़ा, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स एट रेस्ट, ये सोर्स की तरफ चल पड़ा जो कि रेस्ट पर है। अब बताओ बेटा ये जो बीच की डिस्टेंस है ये v स्पीड से कवर करेगा, ये vo स्पीड से कवर करेगा, तो दोनों जल्दी में पकड़ लेंगे या देर लगेगी, जल्दी। तो जो नया टाइम पीरियड ऑब्जर्वर जितने टाइम के बाद इस कंप्रेशन को रिसीव करेगा उसे कहेंगे टी डैश। टी डैश का मतलब है टाइम पीरियड जितनी देर के बाद ऑब्जर्वर ने दूसरा कंप्रेशन रिसीव किया, सोर्स ने जितने टाइम में कंप्रेशंस निकाले वो सोर्स का टाइम पीरियड, ऑब्जर्वर ने जितने टाइम गैप के बाद कंप्रेशंस रिसीव करे वो ऑब्जर्वर का टाइम पीरियड। तो ऑब्जर्वर को टाइम कितना लगेगा, तो मैंने अभी अभी इसीलिए सिखाया था डिस्टेंस तो है vt और स्पीड v लिखूं या vo लिखूं या v माइनस vo लिखूं या v प्लस vo लिखूं, v प्लस vo, ये है टाइम। कोई मेरे से पूछे क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टी डैश तो है बेटा वो टाइम पीरियड जितनी देर के बाद ऑब्जर्वर कंप्रेशन रिसीव करता है, और टी क्या है वो टाइम पीरियड जितने टाइम के बाद सोर्स कंप्रेशन इमिट करता है, वी है वेलोसिटी ऑफ साउंड और वी है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है T upon T dash is equal to V plus VO upon V। लेकिन बेटा आप जानते हो मैं इसे उधर ले गया T dash को इधर, अब तुम जानते हो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी, तो T का रेसिप्रोकल है न्यू, वन अपॉन न्यू, और T dash का रेसिप्रोकल है न्यू डैश, तो वन अपॉन न्यू डैश। तो इसे आप कह सकते हो न्यू डैश अपॉन न्यू, क्योंकि बेटा ये तो न्यूमरेटर में आ गया ना, न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल टू वी प्लस वीओ अपॉन वी, यही फॉर्मूला है। अच्छा देख इतना मेहनत पड़ी समझाने में बताने में, कल वाला तरीका लगाते, कल वाला तरीका मैं अभी मिटा दूंगा, सोर्स और ऑब्जर्वर, मुझे बताओ ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है वीओ वेलोसिटी से और साउंड इधर जा रही है सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, ये कल के तरीके से बता रहा हूं। कल का फॉर्मूला था न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल टू वी माइनस ब्रैकेट अपॉन वी माइनस ब्रैकेट, अब मुझे बताओ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कल वाले मेथड से प्लस भी हो या माइनस भी हो, जोर से बोलो माइनस, और नीचे सोर्स की वेलोसिटी जीरो, रेस्ट पर है सोर्स तो रुका हुआ है। तो क्या फॉर्मूला आता था कल के तरीके से, वी प्लस वीओ अपॉन वी, और आज क्या आया, वी प्लस वीओ अपॉन वी। अगला पार्ट इसी का, उसमें आधा समय लगेगा,
लेकिन अपना फोकस टूटने मत दो। देख बेटा ये दोबारा, पहले ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड द सोर्स था, अब की बार ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स एट रेस्ट। इस बार ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है और सोर्स रुका हुआ है। कोशिश करके यदि आपने बता दिया तो फिर इसके बाद नहीं भूलोगे, और यदि आपने नहीं बताया सिर्फ सुनते रहे जैसे कथा चल रही हो तो भैया भूल जाओगे। ये है सोर्स, मैं हूं सोर्स, रेडी। मेरे माउथ से लगातार कंप्रेशन निकल रहा है, मैं चार पांच क्वेश्चन के माध्यम से, चार पांच क्वेश्चन के बहाने से रिवाइज करवा रहा हूं। मेरे माउथ से लगातार कंप्रेशन निकल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहे हैं, साउंड की स्पीड से, और साउंड की स्पीड को वी कहते हैं, वीओ कहते हैं, वीएस कहते हैं, क्या कहते हैं, साउंड की स्पीड। पहला कंप्रेशन वी स्पीड से निकला, पहला कंप्रेशन वी स्पीड से निकला, दूसरा कंप्रेशन कितने टाइम के बाद निकलेगा, टी। तो पहला कंप्रेशन कितना दूर चला जाएगा, तो दो कंप्रेशन के बीच का गैप क्या होगा, तो मेरे बेटा इसके माउथ से निकलने वाले दो कंप्रेशन के बीच का गैप है VT, जो इसके माउथ से निकल रहा है ना, दो कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस क्या है, VT, और ये कंप्रेशन किस स्पीड से जा रहे हैं, साउंड की स्पीड से। अब यहां से आता है फिर T डैश निकालूंगा, मेरा ऑब्जर्वर सोर्स से दूर भाग रहा है, मेरा ऑब्जर्वर सोर्स से दूर भाग रहा है। अब जरा मुझे बताओ ये इसका पीछा करेगा, कंप्रेशन इसका पीछा करेगा तो पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा या कम, ज्यादा। स्पीड आप v प्लस वीओ लोगे या v माइनस वीओ, या v प्लस वीओ, सही है। डिस्टेंस क्या थी इनकी, vt, और स्पीड कितनी हो गई, v माइनस वीओ आने वाला है। तो तुमसे कोई कहे टी क्या था, जितने टाइम के बाद सोर्स ने कंप्रेशन इमिट करे, और टी डैश क्या है, जितने टाइम के बाद ऑब्जर्वर ने कंप्रेशन रिसीव करे। टी कहलाता है टाइम पीरियड फॉर सोर्स, टी डैश कहलाता है टाइम पीरियड फॉर ऑब्जर्वर। अच्छा इसको मैं रीअरेंज करके टी अपॉन टी डैश लिखूं तो ये आएगा वी माइनस वीओ अपॉन वी। अच्छा जैसे पहले बताया था टी का रेसिप्रोकल है न्यू और टी डैश का रेसिप्रोकल है न्यू डैश, तो T अपॉन T डैश बन जाएगा न्यू डैश अपॉन न्यू। इतना तो शॉर्टकट मार ही दूं। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। ये तो देख पूरे डेरिवेशन से हुआ। अब मैं आप लोगों से कल के मेथड से बताता हूं। यदि कल का मेथड होता और सोर्स और ऑब्जर्वर, सोर्स रेस्ट पर होता और ऑब्जर्वर दूर भागता, साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर जाती, तो आप पुराना मेथड लगा करके बताओ बेटा न्यू डैश अपॉन न्यू की वैल्यू क्या होती, v माइनस ब्रैकेट अपॉन v माइनस ब्रैकेट, ऊपर की ब्रैकेट में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या वेलोसिटी ऑफ सोर्स, प्लस वीओ या माइनस वीओ। जो बच्चा कल एब्सेंट था उसे दिक्कत हो सकती है, प्लस वीओ और सोर्स की जीरो। जरा ब्रैकेट खोल के देख यही आ रहा है नहीं आ रहा है, v माइनस वीओ अपॉन v। तभी हम कहते हैं जब न्यूमेरिकल करो, जब मेरे बेटा न्यूमेरिकल करो तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगाया करो, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट फॉर्मूले लगाना। डेरिवेशन कभी करने बैठ जाओ न्यूमेरिकल में तो सीधे फॉर्मूला, कल वाला मेथड सुपर हिट है कि उससे कर दिया। अब बस चलो इसके लिए तो अब रोकना पड़ेगा बेटा। आप लोग दोबारा से इसे रिवाइंड करके देखना, नहीं तो ये उड़ जाएगा सिर के ऊपर से। आगे का टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आप इसे पूरा ढंग से देख लोगे। बाय।